एग्जाम कबीला ट्यूटोरियल्स। आज मैं 19 मार्च 2016 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। ये कैटेगरीज की लिस्ट है जो इस सेक्शन में कवर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल इनोवेशन बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और सिस्को के बीच हुए एग्रीमेंट के अंतर्गत IOE इनोवेशन सेंटर कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। सिस्को यह IOE यानी कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इनोवेशन सेंटर विशाखापट्टनम में स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आंध्र प्रदेश के CM मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, सिस्को के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इरविंग तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने 18 मार्च 2016 को राज्य का बजट पेश किया। महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? करेक्ट आंसर है सुधीर मुंगंतीवार। इस बजट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 3,644 करोड़ रुपीस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, CM है देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की शराब जिसे जियोग्राफिकल टैग मिल चुका है को हेरिटेज स्पिरिट ऑफ स्टेट की तरह क्लासिफाइड किया है? करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा ने फैनी को हेरिटेज स्पिरिट ऑफ गोवा की तरह क्लासिफाई किया है। फैनी देश का पहला लीकर प्रोडक्ट है जिसे सन 2000 में जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गोवा की कैपिटल पंजी, CM है लक्ष्मीकांत पार्सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स आयरन फीस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से राज्य में आयोजित करेगा? करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में यह आयरन फीस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिसमें 180 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, जिनमें फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स 6 पैकेजेस में 6 थीम्स पर पार्टिसिपेट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, गवर्नर श्री कल्याण सिंह, CM है श्रीमती वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीलंका में किस फेमस पर्सनैलिटी के मेमोरियल ऑडिटोरियम सेटअप करने के लिए 265 मिलियन रुपीस का अनुदान करेगी? करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इस ऑडिटोरियम के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी श्रीलंका यात्रा पर यह अग्रीमेंट साइन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रम सिंघे, प्रेसिडेंट है मैत्रीपाल सिरिसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को एटलस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन के अनुसार पूरे विश्व में कितनी लड़कियां जिनकी उम्र 6 और 15 साल के बीच में है स्कूल नहीं जाती है? करेक्ट आंसर है 63 मिलियन। यह रिपोर्ट यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स UIS के द्वारा जारी की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसे 16 नवंबर 1945 को फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। मेंबरशिप 195 कंट्रीज की है। डायरेक्टर जनरल है इरीना बोकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन गोल्ड कॉइन बेचने वाली कौन सी बैंक देश की पहली बैंक बन गई है? करेक्ट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। 24 कैरेट प्योरिटी के इंडियन गोल्ड कॉइन बेचने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया। इन गोल्ड कॉइन्स पर एक तरफ अशोक चक्र और दूसरी ओर महात्मा गांधी का फेस अंकित है। इन्हें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा मिंट किया गया है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा इनका हॉलमार्क किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट रेट्स 8.7% से कम होकर कितने परसेंट हो गई है? करेक्ट आंसर है 8.1%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है,
Chief Economic Advisor Arvind Subramanian, Economic Affairs Secretary Shakti Kanta Das, CRISIL Chief Economist D.K. Joshi. Sirf PPF par hi nahi, aur bhi kai schemes par interest rates kam hui hain. Aap is slide mein dekh sakte hain ki PPF par pehle interest rate 8.7 thi, jo ki ab 8.1 ho chuki hai. KVP yani किसान विकास पत्र पर पहले 8.7 से अब 7.8 हो गई है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जिनका टेन्योर 5 ईयर का है उन पर 8.5 से कम होकर 8.1%. सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 9.2 से घटकर 8.6%. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 5 ईयर पर पहले 9.3% थी और अब 8.6% हो गई है. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पर पहले 4% थी और अब भी 4% ही है. पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट्स पर 1 ईयर टर्म डिपॉजिट पर 8.4 से घटकर 7.1%, 2 ईयर पर 8.4 से कम होकर 7.2% और 3 ईयर पर अब 7.4% हो गई है. 5 ईयर टर्म डिपॉजिट पर 8.5% से 7.9% हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीजर इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है एस श्रीधर. इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फीजर एक अमेरिकन ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएस. इसे 1849 में चार्ल्स फीजर ने फाउंड किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है वेंकैया नायडू. न्यू दिल्ली में आयोजित हुई 43वीं स्कॉच समिट में एम वेंकैया नायडू को स्कॉच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया. ये यूनियन अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी, एलिवेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं. यह अवार्ड 2003 में पहली बार दिया गया था. यह अवार्ड डिजिटल, सोशल और फाइनेंशियल एरियाज में इंडिविजुअल एफर्ट्स के लिए बेस्ट ब्रेन्स को दिए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्च को अर्थ आर फोरम किस भारतीय शहर ने ज्वाइन किया? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली. यह 10th अर्थ आर था जिसमें विश्व के 6 शहरों के साथ दिल्ली भी शामिल हुई. इसका मेन ऑब्जेक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन मैसेज को स्प्रेड करना था. अर्थ आर प्लैनेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा आयोजित किया जाता है. इस इवेंट के अंतर्गत मार्च एंड में 8:30 से 9:30 बजे के बीच सभी को अपनी नॉन एसेंशियल लाइट्स 1 घंटे के लिए बंद करने के लिए इनकरेज किया जाता है. Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe our channel and share this video. Thank you.